गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी 2.1 प्रश्नावली चलेगी और 2.1 प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताई जाएगी। यदि वो आपको पता होगी तो ये आपकी 2.1 प्रश्नावली आराम से समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। यदि आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पता होगी तो आप इन सवालों को आराम से कर सकोगे। चलो देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो होती है जो एक से शुरू होती है। एक के बाद दो हो गया, तीन आ गया, चार आ गया, पाँच आ गया। अब आगे बढ़ती अनंत तक, हजारों लाखों के अंदर बढ़ती जाएगी और अनंत का चिन्ह ये होता है जिसे अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट, है ना अंग्रेजी में बोले तो। अब ये देखो, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या तो हो गई एक से चालू। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। प्राकृत संख्या के साथ साथ किसको? जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। जैसे एक दो है, तीन है, चार है और आगे अनंत तक जितनी भी संख्या हो। चलो आपको समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्या क्या होती है। एक से शुरू होने वाली जो भी संख्या होती है प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो जो जीरो से शुरू होती है। और पूर्णांक संख्या उस वो होती है जिसमें जीरो तो होता ही होता है, साथ साथ एक दो तीन चलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, माइनस वाली संख्या काउंट होती है। माइनस वाली देखो, मैंने लिख दिया इधर माइनस के पाँच, माइनस के चार, माइनस के तीन, माइनस के दो और माइनस का एक। अब एक आ गया, माइनस का एक आ गया, उसके बाद में आएगा जीरो और जीरो के बाद एक दो तीन चार, यानी कि ये अनंत तक जाएगा। लेकिन ये वाला भी पीछे बढ़ता जाता है इनकी तरह, तो ये भी कितना इधर अनंत तक जाएगा और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो ये माइनस तक चलेगा और ये वाली प्लस तक चलेगी। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। ये पहला सवाल ये कहता है कि जो 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए। तो इसके तुरंत बाद आप लिख सकते हो, जैसे अभी इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 10,000 ऐसे के लिए 10,999 लिख लिया। अगली अगली इसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दिया तो एक जोड़ा तो इसमें जीरो 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 एक, ठीक है बच्चों। अब यह ऐसे कह रहा है कि अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, फिर इसमें एक जोड़ो 11,000 के अंदर एक जोड़ देंगे तो कि ये हो जाएगा 11,001। अब 11,001 हो गया तो इसमें भी एक जोड़ दो, 11,001 है इसमें भी एक जोड़ा तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। तो एक जोड़ दिया तो कितना जाएगा दो। अब ये देखो 11,000, 11,001, 11,002, ऐसे ही। अब चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। ऐसे ही आप ना आगे की संख्या भी बना सकते हो, जितनी भी अनंत तक, जितने भी तीन चार पाँच सात आपकी क्वेश्चन भी, यदि इनके अलावा और कोई संख्या दे दे तो आप बना सकते हो आराम से। अब ये देखो 10,001 दे रखा है, इसमें से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। अब पूर्ण संख्या में जीरो आता है, लेकिन ये बड़ी संख्या दे रखी है, प्लस में दे रखी है, तो इससे पहले वाली संख्या पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे इसका उत्तर लिखने के लिए, अभी इनको लिख लेंगे। पहले वाली संख्या दे रखी है तो उसमें माइनस कर देंगे तो पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक पहले वाली। तो एक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यदि 10,000 ठीक पहले बार तीन पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्या ही पूछ रहा है तो 10,000 हो ही गया, 10,000 में एक हटाएंगे, फिर माइनस एक हटाया और एक हटाने से यह आ जाएगा 9,999। अब 9,999 आ गया तो इसमें भी एक हटा देंगे, माइनस एक घटाया तो 9,998 आ जाएगा। अब ये देखो 10,000 में एक हटाए तो 9,999, फिर इसमें एक हटाए तो एक संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे, 98, 97, 96, 95 आगे कम होती जाएगी। चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। तो आपको पता है कि सबसे छोटी कौन सी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी कि सबसे छोटी
सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या? जीरो होगी। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कहते हैं, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होगी? तो इस सवाल को करने का दो तरीके हैं, या तो 32 लिखो, 32 से 53 के बीच में जो भी संख्या है 32 लिखो, और 32 से लेकर 53 तक संख्या लिखो, लेकिन इसमें एक चीज़ दे रही कि बीच में कितनी संख्या है, इनके बीच में होनी चाहिए, लेकिन 32 को 53 को काउंट नहीं करना, यानी कि गिनना नहीं है, 32 को 53 को नहीं गिनना, बाकी की इनके बीच में कितनी संख्या है, कितनी दे रखी है, उनको आपको लिखना है। लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि 53 है, 53 के अंदर कितना घटाएंगे, 32 घटाएंगे। अब 32 से 53 के अंदर 32 घटाना तो आपको आता ही है, 53 के अंदर 32 घटाया तो यह आ जाएगा 21। लेकिन आप एक चीज़ देखो, 32 से शुरू हो रहा है तो 33, 34, 35 से शुरू होगा, 32 को काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये 53 को काउंट कर रहा है, तो आप इसमें से क्या घटाएंगे, एक और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो अपन है ना, 32 है ना, 32, 32 के बाद 53 तक संख्या लिख दें, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37, 38, 39, 40, 41, 42 है, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53। अब ये देखो, अपन 53 को काट देते, काट दिया, और 32 को काट दिया, इनके बीच में जो भी संख्या है इनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने भी 20 ही लिखा था और इसमें भी काउंट 20 ही हो रही है। चलो देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कहता है, परवर्ती संख्या लिखें। अब ये देखो, एक शब्द दे रखा है कि परवर्ती। अब परवर्ती का अर्थ क्या होता है कि परवर्ती जो दी गई है संख्या उसके बाद वाली, यानी कि जस्ट बाद वाली संख्या लिखनी है, परवर्ती का अर्थ ये होता है। और एक शब्द और होता है जो अगले सवाल में आएगा, पूर्ववर्ती, जिसका अर्थ होता है कि जस्ट पहले वाली संख्या, परवर्ती का अर्थ है यानी कि जस्ट बाद वाली संख्या। तो जस्ट बाद वाली संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। अब ये देखो, इसमें कुछ संख्या दे रखी है तो यदि इसमें एक जोड़ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा ना 702 हो जाएगा ना, तो इसमें एक जोड़ेंगे इस वाली संख्या में, यह आ जाएगा 24, 40, 701 में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। आपको गिनना तो आता ही है कितनी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 24,40,701 है, तो इसमें एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,40,702, ये वाली संख्या बन जाएगी। अब ये देखो, परवर्ती संख्या पूछ रहा है तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 199 है, तो इसमें एक जोड़ दिया प्लस एक कर दिया, तो इसमें ये देखो 200 बन जाएगा। अब देखो, इकाई, दाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, 1,02,000। अब इसमें भी एक जोड़ा तो 1,02,000। लेकिन आपको संख्या का जरूर ध्यान रखना कितनी संख्या है, और आप ये देखो, इसमें कई बार बच्चे भूल चूक में क्या करें, चार संख्या लिख देते हैं। अब 9, 5 वाला लिखा हुआ तो कई बार चार लिख देते हैं, वो गलती हो जाती है, और गलत होने से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में गलत ना हो इसलिए संख्या को पहले ही काउंट करना है अपन को, और इसमें क्या जोड़ना है, एक, परवर्ती का अर्थ यानी कि जस्ट वाली संख्या से एक जोड़ना है, और इसमें एक जोड़ा तो ये हो जाएगा, चलो देखो, इसमें एक जोड़ा तो 10 हो जाएगा, फिर इसमें एक जुड़ जाएगा तो 10 का 0, फिर इसमें एक जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, एक, और इसके 0 लग जाएंगे, 5 0 लग जाएंगे। अब ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि 11 लाख बन जाएंगे। तो पहले कितने बन रहे थे, 10,99,999 बन रहे थे, उसमें एक जोड़ा तो 11 लाख बन जाएंगे। अब ये देखो, 23,45,670 है, तो इसमें एक जोड़ा तो 23,45,670 है, और 70 में एक जोड़ा तो ये बन जाएगा 23,45,671। चलिए, अपना पांचवा क्वेश्चन हुआ, चलते हैं छठे क्वेश्चन पर।
ठीक है बच्चों, इनको आप उतार लो, फिर बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन। चलो चलो देखते हैं छठा प्रश्न क्या कहता है। पूर्ववर्ती संख्या, मैंने बताया था कि परवर्ती संख्या क्या होती है, जो दी गई संख्या है उसकी जस्ट वाली संख्या, यानी कि जस्ट यानी कि जिसमें एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो जस्ट वाली, जैसे 94, 94 के बाद वाली संख्या क्या है 95 है, तो वो परवर्ती हुई। लेकिन पूर्ववर्ती संख्या जो दी गई संख्या है उसकी जस्ट पहले वाली संख्या, तो उसमें क्या करेंगे, पहले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें ए घटाएंगे, तो 94 में ए घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 93। अब ये देखो 10,000 है, 10,000 में ए घटाएंगे, 10,000 है इसमें एक घटाया और एक घटाया तो ये आ जाएगा 9,999। ये देखो आपको ये संख्या दी रखी है 20,809, इसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी कि इसमें भी एक घटाना है, तो इसमें लिखेंगे 20,809 माइनस एक, ये हो जाएगा 20,808। अब ये देखो ये वाली संख्या, अभी इसमें भी एक घटाना है, तो ये वाली संख्या आपको जो केवल एग्ज़ाम में क्या करना है, संख्या लिखनी है, संख्या लिखने के बाद इसमें एक घटाना है और एक घटाने पर अपन को आंसर प्राप्त हो जाएगा, और संख्या को ऐसे कैसे लिख दो 3, 2 और 0, यानी कि एक में एक घटाए तो 0। अब ये देखो सातवां प्रश्न क्या कहता है, संख्या रेखा का, इसमें क्या है कि एक संख्या रेखा है, इस वाली रेखा जो ऐसी रेखा, इस रेखा का प्रयोग करते हुए ये चिन्ह दे रखे हैं आपको, और चिन्ह का प्रयोग करते हुए ये कुछ संख्या दे रखी है आपको, दो दो वाली संख्या दे रखी है, दो दो का जोड़ दे रखा है ना, तो इसमें ये बता रहा है कि कौन सी संख्या किस संख्या की बाईं तरफ है और कौन सी संख्या किस संख्या के दाईं तरफ है। लेकिन इस रेखा का उपयोग करना है, जो ये संख्या रेखा ना इसको उपयोग करना है, जैसे बीच में 0 मान लिया, इधर वाली 1 आएगा, 2 आएगा, इधर 3 आएगा, लेकिन इधर प्लस वाली संख्या आएगी ना, तो इसके बाईं तरफ माइनस वाली संख्या आएगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। चलो देखते हैं प्रश्न कॉल करते हैं, प्रश्न 7 का ए क्या कहता है, 530 दे रखा है और 502 दे रखा है, तो आप सबको पता है कि जो ये संख्या रेखा है, चलो यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं, पहले तो अपन ये संख्या रेखा बना दी, संख्या रेखा बना दी, और बनाने के बाद बीच में क्या रखना है अपन को, 0, और 0 के जस्ट दाईं तरफ क्या रखना है, प्लस वाली संख्या 1, 2 और अनंत तक जाएगी ये। लेकिन आपको जैसे ही ये बाईं तरफ है, ये वाली बाईं तरफ संख्या, तो यहाँ पर -1, -2, -3, ये भी माइनस अनंत तक, ठीक है बच्चों, और ये प्लस अनंत तक जाएगी। अब ये देखो पहले कौन सी संख्या आती है, एक आती है ना, एक के बाद क्या आती है, 2 आती है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 502, और 502 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 530, तो पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, 502, और उसके बाद में कौन सी संख्या लिखेंगे, 530। अब बच्चों इसमें देखो 530 के बाईं तरफ कौन सी संख्या है, 502, लेकिन 502 के दाईं तरफ कौन सी संख्या है, 530, लेकिन अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब ये संख्या आपको समझ में आ गई होगी संख्या रेखा, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर होगा 502 530 के बाईं तरफ है अपना, जो ये तो दायां हाथ होगा ये वाला बायां हो, तो इसके बाईं तरफ कौन सी संख्या है, 502 बाईं तरफ है। इसी प्रकार अपन इस संख्या को करेंगे और ऐसे ऐसे बाकी संख्या को करेंगे। चलो इस संख्या को देखते हैं, और ये वाली संख्या भी इसी संख्या रेखा पर देखेंगे, इसको यहाँ पर 0 हो गए, यहाँ पर माइनस वाली संख्या आएगी और यहाँ पर प्लस वाली संख्या। चलो देखते हैं, अब 307 पहले आता है और 370 बाद में आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 307 और यहाँ पर लिखेंगे 370। अब ये देखो 370 के बाईं तरफ है ना ये संख्या 307, और 307 के दाईं तरफ कौन सी संख्या है, 370 है, तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं कि या तो ये लिख दो कि 307 के दाईं तरफ कौन सी संख्या है, 370, या फिर ये लिख दो 370 के बाईं तरफ कौन सी संख्या है, 307। तो अपन लिख सकते हैं 370 के, या फिर ऐसे भी लिख दो कि 307 है ना, 7 370 के बाईं तरफ है,
बाई तरफ है। अब ये देखो, ये तो इसका आंसर हो गया और ये इसका हो गया। चलो देखते हैं, इसको देखते हैं, चलो देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि चिन्ह का भी प्रयोग करना है, तो चिन्ह का प्रयोग करने के लिए देखो ये 530 है और 502 है, तो 530 बड़ा है ना 502 से, तो 530 बड़ा है किससे, 502 से। अब ये देखो 370 बड़ा है किससे, 307 से, तो 370 को ऐसे ऐसे कैसे लिख लेंगे और बाकी ऐसे चिन्ह, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और यहाँ पर लिख देंगे 307। अब ये देखो ये सातवें का तीसरा, तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर रेखा रेखा खींच दी, यहाँ पर संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पर जीरो जीरो बना दिया, यहाँ पर माइनस की संख्या आएगी और यहाँ पर प्लस वाली संख्या आएगी इधर वाली। अब ये देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 98765 बड़ा है 56789। तो आप सबको पता है कि 98000 सबसे बड़ा है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, इससे पहले लिखेंगे 56789 और इसके बाद लिखेंगे 98765। बात की जाए चिन्ह की, तो आपको पता है कि चिन्ह का किसका प्रयोग किया जाएगा, चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो इससे पहले अपन इस लाइन को लिखेंगे कि 56789 98765 के बाईं तरफ है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख देता हूँ चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 98765 बड़ा है किससे, 56789 के। ये तो हो गया सी। अब यहाँ पर देखो डी, डी को करते हैं। अब ये देखो ये दो संख्या दे रखी है, 1 करोड़ कुछ संख्या दे रखी है और ये दे रखी है 98000 वाली संख्या दे रखी है। अब ये देखो यहाँ पर लिखेंगे अपन दोनों संख्या, लिख लेंगे पहले संख्या रेखा लिखते हैं और ये इसमें जीरो लगाते हैं बीच में, और इधर वाली प्लस वाली संख्या आएंगी, इधर माइनस वाली संख्या आएंगी, तो इनको लिख लेते हैं पहले। आपको पहले ही काउंट करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब ये देखो इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000,00,000 10,00,000 है ना, और इधर देखो इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,00,000,00,000 करोड़ है, तो करोड़ बड़ा होता है 1,00,000 बड़ा होता है, तो आपको सबको बताया कि करोड़ बड़ा होता है 1,00,000 से, तो यहाँ पर संख्या लिखोगे आप, यहाँ पर टिक लगा के 1 करोड़ वाली संख्या लिखेंगे 23,001। तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो आपको इसको अलग से लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं चिन्ह लगा देता हूँ, ये वाला चिन्ह लगा देता हूँ। तो आप, मैंने कहा था कि जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और यहाँ पर लिख दो कि जो 98,00,000 है 30,415 यानी कि 1 करोड़ है 23,001 के बाईं तरफ है। इसी प्रकार आप आगे के सवाल भी कर सकते हो, यदि इनकी इन संख्या के अलावा आपको अलग संख्या दे दी जाए तो आप उनको हल कर सकते हैं। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न संख्या 8 है, जो आपको मैंने जो पहले पहला दूसरा तीसरा जो 7 तक प्रश्न पढ़ाए ना, उन्हीं प्रश्नों के बारे में दे रखा है, उनमें दे रखा है सत्य असत्य पूछ रहा है आपको। आपको पूछेगा कि 0 पूर्ण संख्या है, तो आपको सत्य असत्य के अंदर आपको जवाब देना है, और पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या के बारे में पूछेगा कि सत्य असत्य का जवाब देना, केवल सत्य और असत्य ही बताना है आपको, और उसमें कुछ एम ए से लेकर एम तक सवाल दे रखे हैं जो आपको स्वयं को अपने विवेक के अनुसार करना है। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो 1 से लेकर 7 तक पहले तो उन प्रश्नों को दोबारा देखोगे यदि समझ में नहीं आया तो, और उनको ध्यानपूर्वक समझते हुए 8 को आप इजीली आराम से कर सकोगे आराम से। उसमें पूर्ववर्ती परवर्ती सत्य असत्य के बारे में दे रखा है, और 1 से लेकर m तक केवल सत्य असत्य के अलावा कुछ भी नहीं पूछा आपको केवल, और आप उन सवालों को आराम से सावधानीपूर्वक कर सकोगे।